হাই ফ্রেন্ডস, আমি মেরাজুল, ব্যাক অ্যাগেন আনাদার ভিডিও। তো বন্ধুরা, আই হোপ তোমার সবাই ভালো আছো আর ভালো থেকো। তো বন্ধুরা, আজকে আমার বেসিক্স গিটার লেসন থার্ড ভিডিও। হ্যাঁ, আমার সে আগের দিন আমি আপলোড করেছিলাম সেকেন্ড ভিডিওটাতে। আমি সেকেন্ড ভিডিওটাতে বলেছিলাম তো আমার এক্সপিরিয়েন্সটা, হ্যাঁ, যে কীভাবে একটা পারফেক্ট গিটার কিনবা। হ্যাঁ, আই হোপ তোমরা দেখেছো, যাদেরকে পছন্দ হয়েছে লাইক করেছো। হ্যাঁ, তো বা যারা দেখোনি তারা দেখে নিও। তার আগে লেসেনটা আমি গিটারের ব্যাপারে বলেছিলাম, হ্যাঁ, প্রথম লেসেনটা। আজ আমার তৃতীয় লেসেন। হ্যাঁ, আজকে তোমাদেরকে বলবো হাউ টু টিউন গিটার। হ্যাঁ, কীভাবে তোমরা গিটারকে টিউন করবা। তো বন্ধুরা, পারফেক্টলি গিটার টিউন কীভাবে করবা? হ্যাঁ, তো বন্ধুরা, আমি সরি, আমি এই ভিডিওটা আমি করব না। এটা আমার একটা ফ্রেন্ড তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, আই হোপ তোমরা সবাই হিন্দি বোঝো। হ্যাঁ, আশা করি তোমরা হিন্দি বোঝো, তোমরা ভালোভাবে দেখবা, খুব তোমাদেরকে সহজ করে বলে দেবে। বিকজ আমি করিনি, আমার কোনো হ্যান্ডসেট নেই, মানে মোবাইল এক্সট্রা নেই, আমার একটাই মোবাইল যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি ক্যামেরা করছি। হ্যাঁ, আর একটা টিউন করার জন্য আর একটা মোবাইল লাগে বা টিউনার লাগে। হ্যাঁ, টিউনার থাকে, আমার সেটা নেই, তো সরি, তার জন্য আমি করতে পারিনি। আমার একটা ফ্রেন্ড তোমাদেরকে করে দেবে, ওটা দেখে নিও, ওটা হিন্দিতে আছে, খুব সহজভাবে তোমাদেরকে বলেছে। তো তো বন্ধুরা, যদি ভালো লাগে তো ভিডিওটা হেল্প প্লিজ লাইক করবা, শেয়ার করবা আর কমেন্ট করবা গাইজ। হ্যাঁ, ভালো লাগলে আর আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা, আমি তোমাদেরকে যতটা পারি ততটা হেল্প করব। তো বন্ধুরা, আমার বন্ধুর ভিডিওটা দেখে নাও ভালো করে। মেরা গিটার চ্যানেল কো সার্চ কিজিয়ে এন্ড ইস লাল সাবস্ক্রাইব বটন কো ক্লিক কিজিয়ে এন্ড ইস বেল আইকন কো দবাইয়ে মেরা গিটার কে জুড়ে সব ভিডিও সবসে পহলে দেখনে কে লিয়ে। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मेरा गिटार जो है प्रॉपर अनट्यून कंडीशन में है, ठीक है। अब हमें इसे ट्यून करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि हम ट्यूनर की हेल्प से गिटार को ट्यून करें, इसको हम गिटार के हेड पे लगाते हैं ऐसे, ठीक है। और हम जो स्ट्रिंग प्ले करेंगे वो स्ट्रिंग यहाँ पे स्क्रीन में शो होगी, और हमें उसे क्लॉकवाइज में रोटेट करना है ट्यूनिंग मशीन्स को, या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, कहाँ जाना है, वो सब चीज़ हमें इसमें शो होती है। एंड जो दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास, वो है आपका एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में आप प्ले स्टोर से कोई भी गिटार ट्यूनर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फ़ोन में। बिकॉज अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास ट्यूनर हर वक्त नहीं होता, लेकिन हमारा मोबाइल हमेशा हमारे साथ होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मोबाइल में गिटार ट्यूनर को डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि मोबाइल के ट्यूनर से गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये एप्लीकेशन है फेंडर ट्यून के नाम से, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हमने इस एप्लीकेशन को खोल दिया है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें EBGDAE हमारे 6 की 6 स्ट्रिंग्स के नेम इसमें आ रखे हैं। अगर आप मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं EBGDAE जो ट्यूनिंग चीज़ के ऊपर इनके नेम्स लिखे हुए हैं स्ट्रिंग्स के, ठीक है। अब हम ऑटो पे रख के मोबाइल को सामने रखेंगे, और जो हमारे नीचे की जो 3 स्ट्रिंग्स हैं EBG, इन्हें हम क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, और जो हमारे ऊपर की जो स्ट्रिंग्स हैं इनको हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, ठीक है, ट्यून करने के लिए। तो ये जैसा कि अभी काफ़ी अनट्यून है, तो पहले मैं इसको थोड़ा अपने अंदाजे से इन्हें थोड़ा टाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने भी अपने अंदाजे से जो है थोड़ा टाइट कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया कि नीचे के स्ट्रिंग्स को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और ऊपर के तीनों स्ट्रिंग्स को हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, और मैंने अपनी स्ट्रिंग्स भी जो है टाइट कर लिए थोड़ी अपने अंदाजे से। तो अब हम ट्यूनर में देखेंगे और स्ट्रिंग्स को प्लग करेंगे। देखिए, अब ये बी पे शो हो रहा है, लेकिन हमारी स्ट्रिंग का नाम ई है, हमें इसे ई तक लेके जाना है। तो मैं इसे क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा, और हमें बहुत ही आराम से
इन स्ट्रिंग्स को घुमाना है, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ये ई पे आ चुका है, लेकिन अभी मेरी ऊपर की स्ट्रिंग सभी लूज है, मतलब प्रॉपर ट्यून नहीं है। तो ई और ई हमारी बहुत पतली स्ट्रिंग है, तो इस पे टेंशन प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से टूट सकता है, इस पे अभी जोर पड़ सकता है। तो अभी मैंने इसको ई पे ले आया हूँ, तो अब हम ऊपर की स्ट्रिंग को ट्यून करेंगे, ठीक है? ये भी अभी फिलहाल तो प्रॉपर ट्यून हो चुका है, लेकिन जब हम लेकिन एक बार में कभी भी कोई स्ट्रिंग ट्यून नहीं होती, ठीक है? अब मैं जैसे जैसे ऊपर की स्ट्रिंग्स को ट्यून करूंगा, तो जो हमारा गिटार में जो फ्रेटबोर्ड है वो आगे की तरफ बैंड होता है, जिसकी वजह से इसको दो बार ट्यून करना पड़ता है, दो या तीन बार, ठीक है? तो अब हम जी स्ट्रिंग को ट्यून करेंगे। जी भी ट्यून हो गया, नाउ इट्स डी। हमें ग्रीन पे ग्रीन तक लाना होता है, ठीक है? अब जैसे कि अगर हम इसको ज्यादा घुमा देंगे तो ये आगे निकल जाता है। अब देख सकते हैं कि आप ये ई पे जा रहा है और ये एरो दिखा रहा है कि लेफ्ट की तरफ एरो दिखा रहा है कि अभी आपको क्लॉकवाइज में घुमाना है, ठीक है? तो मैंने इसको ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया, अब मैं इसे बैक लाने के लिए क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा। अभी ज्यादा पीछे आ गया, तो अब फिर अगेन एंटी क्लॉकवाइज। अब हम अगेन नीचे से ऊपर गिटार में ट्यून करेंगे। अभी हमने एक बार ट्यून किया, ठीक है? ट्यून किया था तो हमने प्रॉपर ट्यून करते हुए हम गए थे ऊपर, लेकिन अब जब हम अगेन ट्यून कर रहे थे दोबारा से अनट्यून्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नेक जो है थोड़ा आगे की तरफ बैंड हो चुका है। ओके जी, अब जो हमारा गिटार है प्रॉपर ट्यूनिंग कंडीशन में है। सो कभी भी एक बार में गिटार ट्यून नहीं होता, बिकॉज जब हम पहली बार ट्यून करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग टाइट होती है, जिसकी वजह से जो हमारा नेक होता है वो आगे की तरफ थोड़ा बैंड हो जाता है, तो वो अगेन अनट्यून्ड हो जाता है। तो हमें दो से तीन बार स्ट्रिंग्स को ट्यून करना पड़ता है, तब जाके हमारा गिटार जो है प्रॉपर ट्यूनिंग कंडीशन में आता है। होप आप लोगों ने गिटार को ट्यून करना सीख लिया होगा।
तो अब आप इजीली अपने गिटार को ट्यून कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ट्यूनिंग कीज को घुमाएंगे तो उन्हें बहुत ही, जब वो ट्यून होने वाली होती है ना स्ट्रिंग्स, तो उनको बहुत ही स्लाइडली, बहुत स्लोली घुमाना होता है, ठीक है। अगर आप झटके से एकदम से घुमा देंगे तो आपकी स्ट्रिंग्स जो है टूटने का डर बना रहता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, ठीक है। कि कुछ भी अगर आपको ट्यूनिंग करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड इस बेल आइकन को दबाइए एंड लाइक करना मत भूलिए मेरा गिटार से जुड़ी सब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।